हाँ जी, देखो ट्रेन का क्या हालत खराब हो गया। अभी मैं गया था थोड़ा बाहर खाने के लिए, आके देख रहा हूँ मेरा सीट में देखो क्या क्या हो गया। वो भी देखकर मैं मेरे साथ झगड़ा भी कर रहा है इस बंदे ने, क्या ही बोलूँ मैं। मतलब देखो भाई, स्लीपर का भी हालत जनरल हो गया। इसी हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शुभम स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरा और एक नया ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत हो रहा है भाई मोहन चट्टी से। हाँ जी, सही सुना आपने। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वाला ब्लॉग देखे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि भाई मैं था मोहन चट्टी में। जो मेरे पीछे में आपको दिखाई दे रहा है, ये था भाई जस्टल प्लस, इसी में ही मैं रुका था कल को। और अभी मैं सुबह सुबह भाई निकल रहा हूँ हरिद्वार के लिए, क्योंकि आज दिन का 1:30 बजे मेरा बस है, सॉरी ट्रेन है दिल्ली के लिए। ऐसे टिकट वगैरह तो कुछ भी कंफर्म नहीं है, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। लेकिन उससे पहले जो टेंशन है ना भाई, 9 बजे मेरे को देनी है स्कूटी ऋषिकेश में। अगर 9 बजे में नहीं दोगे ना, पता नहीं क्या होगा, थोड़ा सा वो लोग भी ज़्यादा चार्ज करेंगे। वो ऊपर से पहाड़ी की रास्ता है, स्पीड भी ड्राइव करके जा नहीं पाएंगे। और अभी दिखते दिखते टाइम भी लगभग हो चुका है 8:10, मैं थोड़ा सा हड़बड़ी में हूँ। ठीक है, अभी निकलते, लेकिन ड्राइव स्लो करते करते जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ड्राइव ना मतलब हैवी करके नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि स्पीड ड्राइव करके जाके कोई फ़ायदा भी नहीं है। ऊपर से वाला पहाड़ी रास्ता है तो थोड़ा सा तो टेंशन लग रहा है, इसलिए स्लो स्लो ड्राइव करके जाएंगे। फिलहाल चलते हैं, चेकआउट करते हैं, फिर निकलते हैं। ठीक है। और भाई देखो, यह रही कुछ बाहर की नज़ारा। लेकिन कूड़ा ना इतना भी ज़्यादा नहीं है, अच्छे से ड्राइव करके हम लोग जा पाएंगे। लेकिन काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई सुबह की नज़ारा पहाड़ों में ना, वही एक फ़ायदा होता है। सुबह सुबह आपको काफ़ी बढ़िया सब नज़ारा सब देखने को मिलता है। ठीक है, हमारा गाड़ी भी रेडी हो चुका है, सामान रखते हैं, निकलते हैं भाई ऋषिकेश। तो हाँ जी, देख लो अभी हम ऋषिकेश तक पहुँच चुका है। आने का वक्त बिल्कुल हालत मेरा ख़राब हो गया था, मतलब मेरा हाथ और पांव ऐसे कांप रहा था ना, मैं कैसे बताऊँ। लाइक जैसे बचपन में हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे, टीचर लोग स्कूल में मार रहे थे ना, ऐसे हाथ दिखाओ वो लोग मार रहे थे ना, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। इतना ज़्यादा ठंड था ना, मैं 20 के ऊपर ना हम लोग स्कूटी को ड्राइव भी नहीं कर पाता है। खैर कोई नहीं, अच्छे से आके पहुंच गए। और ये रहा भाई स्कूटी, ये रहे उसके ओनर, काफ़ी बढ़िया इंसान है, काफ़ी अच्छे से मतलब उनका बिहेवियर सबसे बढ़िया है। और पूरा ऋषिकेश में मेरे को ही लगता है सबसे चीपेस्ट में शायद उन्होंने ही स्कूटी दे रखी है, नहीं तो और कोई दे रहा है मेरे को नहीं लगता है। मैं दो बार ऋषिकेश आ चुका हूँ, 2 बार ही मैंने 500 दे के रेंट लिया था, लेकिन आपके पास ही पहली बार 400 में लिया। और ये देखो, ये रहा भैया का नंबर। ठीक है, अगर कभी भी आ रहे हो ना, आप लोग कांटेक्ट कर देना, काफ़ी कमाल का लोग है। आते भैया, फिर मिलेंगे। थैंक यू भैया। ठीक है, अभी बस स्टैंड के लिए निकलते, बस स्टैंड पहुंच के बाकी का बात मैं करता हूँ, पहले बस स्टैंड के लिए निकलते। तो हाँ जी, हरिद्वार तो मैं कब का पहुँच चुका था, मतलब आया भी मैंने वही, एक्चुअली एक ऑटो आ रहा था, वो पर हेड 100 रुपया करके लिए ला के छोड़ दिया। मैं बोला चलो ठीक है, डायरेक्ट आ गया ना, थोड़ा सा टाइम बच गया। और अभी मैं आया था हरकी पौड़ी आया था भाई नहाने के लिए, नहा लिया। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये भाई हरकी पौड़ी, आप अगर आते हो तो हरिद्वार आप भी आके वहाँ नहा सकते हो, काफ़ी सारे भगवान के मंदिर है, आके दर्शन भी कर सकते हो। ठीक है, मैं सोचता था कि हरिद्वार का एक अच्छा सा ब्लॉग बनाऊँ, फिर सोचा नहीं भाई, मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जो भगवान के रिलेटेड जितना भी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ना, उसमें ज़रा व्यू नहीं आती है, तो इसलिए मैं बोला कोई बात नहीं, वैसे भी आज ट्रेन ब्लॉग है। और अभी जो हमारा ट्रेन है ना, लगभग 1 बजे ही ट्रेन है, 1 बजे या कितना बजे, 12:50 ऐसा कुछ टाइम है शायद, मेरे को इतना याद नहीं, क्योंकि टिकट तो मैं बुक नहीं किया हूँ, बाकी सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, ट्रेन डिटेल से लेके एवरीथिंग। ठीक है, फिलहाल चलते हैं बाहर, लॉन्च ही कर लेंगे अभी, सोच रहे काफ़ी जोर का भूख लग रहा है ना, खाना पीना खा के डायरेक्ट जाएंगे, फिलहाल बाहर चलते। तो हाँ जी, देख लो, ये रहा हरिद्वार की रेलवे स्टेशन। यहाँ से आपको हर जगह जाने के लिए रेलवे मतलब ट्रेन मिल जाएगी। मैं जब अमृतसर में भी आया था ना, यहीं से उतर के गया था ऋषिकेश। बाकी चलते स्टेशन के अंदर, अभी भी ट्रेन आने के लिए ना अच्छा खासा वक्त है। और ये बाहर में रहा भाई टैक्सी वगैरह। ठीक है, आपको यहीं से ही ऋषिकेश वगैरह जाने के लिए टैक्सी वगैरह भी आप हायर कर सकते हो। सामने में ये रहा भाई बाइक पार्किंग, काफ़ी बढ़िया रेलवे स्टेशन है, छोटा सा है लेकिन अच्छा सा रेलवे स्टेशन है ये वाला। ये रही हमारी ट्रेन,
हरिद्वार बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस, और आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ भाई स्लीपर क्लास में। हाँ जी सही सुना आपने, आज तुम्हारा भाई ट्रैवल करेगा स्लीपर क्लास में, और हमारा जो कोच है S6 आगे चलती है अभी अंदर। आज मैं आपको बताऊंगा स्लीपर क्लास में जर्नी कैसे रहता है क्या नहीं। हमेशा तो आपको थर्ड AC की जर्नी देखने को मिल रहा था, लेकिन आज आपको स्लीपर की भी जर्नी देखने को मिलेगा। भाई एंट्री करते ही सुगंध आ रहा है। देखो अभी मैं आ चुका हूँ ट्रेन के अंदर, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस बार मेरे को कैसा सीट मिला है और स्लीपर क्लास में क्या क्या आपको सब फैसिलिटीज मिलता है, क्या क्या है ट्रेन के अंदर, सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे तो मैं बहुत दिनों के बाद, कम से कम 3 साल या 4 साल के बाद मैं स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली ये काफी स्मूथ जर्नी है ना, लाइक 200 किलोमीटर के डिस्टेंस है, तो मैं बोला कोई नहीं भाई दिल्ली में तो ऐसे भी उतर जाएंगे हम लोग, तो चलो स्लीपर क्लास में ही चलते है। तो देखो भाई सबसे पहले हमको मिला है इस बार ऊपर से ये वाला है हम लोग का, ये वाला भी है और एक है ये वाला, ये जो कि ये मेरा वाला है। मेरे को पता नहीं क्यों हमेशा साइड ऊपर नहीं तो साइड लोअर ही मिलता है, लेकिन जो भी साइड मिलता है। और देखो भाई सामने में आपको एक मिरर मिलेगा और ये फोन वगैरह चार्ज करने के लिए दो बोर्ड है, बाकी ये सब लाइट फैन का कंट्रोल के लिए स्विच है। ऊपर में आपको एक लाइट मिलता है और 1 2 3 टोटल 3 फैन मिलता है और वहाँ पर एक लाइटिंग है, ठीक है। और इस ट्रेन में ना मैं बता दूँ हरिद्वार टू लेके हम लोग जा रहे हैं दिल्ली में, ये न्यू दिल्ली नहीं जाके, ये जा रहे हैं निजामुद्दीन, तो उसके लिए हम लोग पेमेंट किया है पर हेड 195 रुपीज, वही 200 रुपये के आसपास। 300 रुपये में मेरे को बस भी मिल रहा था, लेकिन भाई पता नहीं क्यों और मेरे अंदर भी ना अभी बस में मैं ट्रैवल ज़्यादा लॉन्ग रूट ना मैं ट्रैवल कर नहीं पाता हूँ, मेरा अंदर कैसा हो जाता है पता नहीं क्यों। अभी मेरा भी बस वाला प्रॉब्लम आ चुका है, तो मैं बोला कोई नहीं भाई स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर लेंगे। थर्ड AC में दिखे रहे, थर्ड AC में वेटिंग था, यहाँ ये भी वेटिंग था, वेटिंग लिस्ट 100 था, तो इसीलिए मैं बोला चलो कार्ड लेते देखेंगे होगा या नहीं होगा, लेकिन भगवान का आशीर्वाद था टिकट कन्फर्म हो गया, ठीक है। और साफ सफाई के हिसाब से मैं बताऊंगा, देखो भाई कुछ इस तरह का साफ सफाई है स्लीपर क्लास के हिसाब से बताऊंगा, ठीक ठाक सही है, क्योंकि जो स्लीपर क्लास का जो साफ सफाई हो ना वो तो ऐसा ही होता है ना। और स्लीपर क्लास में आके तो हम लोग थर्ड AC या सेकंड AC का साफ सफाई ढूंढेंगे तो फिर हम लोग ही बेवकूफ है, ये है ना। अरे रहा भाई स्लीपर क्लास की हैंड बेसिन, भाई पानी तो आ रहा है लेकिन हैंड वॉश नहीं सॉप नहीं, सामने की तरफ एक मिरर है जो कि बिल्कुल गंदा है और वहाँ डस्टबिन है। और भाई ये सब दिखाने से अच्छा मैं ना दिखाऊँ, मजबूरी में दिखाना पड़ता है। देखो भाई एंट्री करने से के बाद आपको कोई एक बेसिन मिल रहा है और एक मिरर, और ये रहा भाई इंडियन स्टाइल जो सुगंध आ रहा है, मैं ना बताऊँ तो ही अच्छा है, ठीक है, ओवरऑल यही है भाई। तो हाँ जब ना मैं ऐसे बाहर आया था कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स तो मैंने ले लिया, मैं सोचा चलो आप लोगों को एक बात मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं आपको जो टॉयलेट है ना अच्छे से नहीं दिखाया, क्योंकि भाई इतना जोर का जो स्मेल आ रहा था ना भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, इतना गंदा वाला स्मेल आ रहा था। ये लोग जाते हैं भाई, ये लोग फ्लैश क्यों नहीं करते, साफ सफाई क्यों नहीं रखते पता नहीं, तो इसलिए मैंने जानबूझ के आपको छोटा सा ही दिखा के आ गया, तो बुरा मत मानना, ठीक है। तो अभी मैं नहीं आप लोगों को इस ट्रेन के नंबर के बारे में और स्टेशन के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। ट्रेन का नंबर है 19020 हरिद्वार बांद्रा एक्सप्रेस, ओके। और हरिद्वार से निकलने के बाद हरिद्वार से निकलने का टाइमिंग है 1:30, उसके बाद आएगा जोवालपुर लगभग 4 किलोमीटर के बाद, फिर आएगा रुड़की, अच्छा रुड़की आएगा, अच्छा फिर आएगा टपरी, अच्छा मेरूत, गाजियाबाद, फिर जाकर हम लोग पहुँचेंगे ए निजामुद्दीन में, ठीक है। ए निजामुद्दीन में 5 मिनट का हॉल्ट है इस ट्रेन का, लगभग 6:40 में पहुँचेगा ए निजामुद्दीन, ठीक है। टोटल हम लोग कवर करने वाला है इसमें 228 किलोमीटर। तो हाँ जी अभी ना फाइनली हमारा ट्रेन निकल चुका है हरिद्वार स्टेशन से, ये बिल्कुल ना ऑन टाइम निकल चुका है, देखो 1:30 का टाइमिंग था, बिल्कुल उसी टाइम से ये निकल गया, ठीक है। हरिद्वार स्टेशन टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे कभी। देखो अभी ना दिखते दिखते हम लोग पहुँच चुके हैं जवालपुर, ये रहा कुछ स्टेशन, और ना बस 2 मिनट का ही हॉल्ट है फिर निकल जाएगा। काफ़ी छोटा सा स्टेशन लग रहा है, ज़रा कुछ है भी नहीं, देखो छोटा सा क्राउड भी कम है यहाँ। तो हाँ जी
ट्रेन तो हमारा निकल चुका है। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भाई जैसे कि थर्ड एसी में ना एक टेबल रहता है सीट के सामने में, देखो लेटरल क्या होता है ना, थर्ड एसी में एक टेबल रहता है वहाँ पे बोतल वगैरह होल्ड करने के लिए या फिर अपना कुछ काम करने के लिए। लेटरल लोग उसको खाना पीना खाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो कि इसमें नहीं है और बोतल स्टैंड भी नहीं है, बस वहाँ पे है ये आपका कुछ बैग वगैरह कैरी करने के लिए है। वहाँ पर भी किसी चुटिया ने बीड़ी फूक के रखा है, कहाँ कहाँ से चले आते हैं लोग। और अभी तो हमारा ट्रेन चल रहा है बिल्कुल ऑन टाइम, पता नहीं ये जब दिल्ली पहुँचेगा ये ऑन टाइम रहेगा या नहीं रहेगा। और ऊपर से मैं अभी विंडो के साइड में बैठा हूँ ना, थोड़ा बहुत ठंड भी मेरे को लग रहा है, लेकिन कोई नहीं हो जाएगा। हाँ जी, अभी ना बस रुड़की स्टेशन आने वाला था, पता नहीं क्यों हमारा ट्रेन वहाँ स्टेशन है क्या नहीं पता नहीं, लगभग 15 मिनट से यहीं पर रुका हुआ है, ऐसे करके ही लेट हो जाएगा भाई। काफ़ी सारे लोग भी उतर चुके हैं बाहर, पता नहीं भाई ये सब होते ही ना ट्रेन लेट हो जाता है। बस 2 किलोमीटर दिखा रहा है, मैं अभी चेक किया यहाँ पर रुका हुआ है, देखते क्या होता है। तो हाँ जी देख लो, अभी हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं रुड़की में स्टेशन, आपने वहाँ आया हमारा ट्रेन लगभग 30 मिनट्स लेट, 27 मिनट्स हुआ ना 30 मिनट्स वहाँ पर, तुम बोला ना रुक गया वहाँ पर काफ़ी टाइम एक्चुअली रुक गया तो इसीलिए लेट में आया। और ये रहा भाई, देखो भाई रुड़की, देखो अच्छे से दिखा रहा हूँ, देखो रुड़की रेलवे स्टेशन, ये रहा हमारा ट्रेन, वहाँ पर भी ज़्यादा क्राउड नहीं है। और खाने पीने का दुकान एक ही मेरे को दिखाई दे रहा है टेबल ऑफ प्लेटफॉर्म में, पता नहीं आके शायद हो भी सकता है, लेकिन वहाँ पर तो एक ही है। हाँ ठीक है यही है, अभी थोड़ा सा ठंड भी लग रहा है बाहर, सोया नहीं ना भाई अच्छे से ना भाई, सच बोलूँ तो सो भी नहीं पा रहा हूँ मैं। ठीक है अभी चलते हैं ट्रेन के अंदर, चलते हैं ट्रेन के अंदर में जाकर बैठेंगे थोड़ा और क्या करेंगे। स्लीपर क्लास में सच बोल तो भाई काफ़ी बोरिंग लग रहा है, कटन वगैरह नहीं है तो ग्लास जो है वो भी लॉक भी ढंग से नहीं हो रहा है, हवा आ रहा है इतना जोर का, 200 किलोमीटर के है ना, चलो ठीक है कर लेते हैं, थर्ड एसी में चले जाता तो अभी से उतरे अच्छा होता, क्या ही कर आ तो गए। हाँ अब इसी में ही जाना पड़ेगा। क्या हालत ख़राब हो गया, अभी मैं गया था थोड़ा बाहर खाने के लिए, आके देख रहा हूँ मेरा सीट में देखो क्या क्या हो गया, वो भी देख कर मैं मेरे साथ झगड़ा भी कर रहा है इस बंदे ने, क्या ही बोलूँ मैं, मतलब देखो भाई स्लीपर का भी हालत जनरल हो गया, इसीलिए ना मैं हमेशा भाई एसी प्रीफर करता हूँ। ना मतलब कैमरा में ज़्यादा कैप्चर नहीं होता है, लेकिन आगे में और भी उससे भी गहराई का मतलब क्राउड है, किसी का टिकट कन्फर्म नहीं है और कोई आ जाता है। तो हाँ अभी ना हमारा जो नेक्स्ट स्टेशन है वो मेरू जंक्शन आने वाला है। ठीक है एक्चुअली अभी ट्रेन चल रहा है भाई 20 मिनट डिले, और दिखा तो रहा है कि निजामुद्दीन पहुँचते लगभग 30 मिनट्स लेट हो जाएगा, लेकिन पता नहीं जब तक पहुँचेंगे नहीं तब तक तो बोलते कोई फ़ायदा नहीं। और एक चीज़ भाई, अभी पूरा ट्रेन का हालत ख़राब हो चुका है, मतलब ऐसा लगता है ना कि हम लोग स्लीपर में नहीं भाई जनरल में जा रहा हूँ, मैं लेटरली बता रहा हूँ आप लोगों को, इतना घटिया अभी हो रहा है ट्रेन का कंडीशन। अभी टीटी साहब नहीं है, अभी टीटी साहब आएंगे भी, ठीक है। और लोग भी इतना दिया है, टिकट वेटिंग में है 50-60 वेटिंग में, फिर भी वो लोग निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। आई नो आप लोगों का अर्जेंट होगा, फिर भी भाई अगर आपके वजह से तो और भी कितने सारे को परेशान होता है ना, ये चीज़ आप थोड़ा सा तो समझने के लिए कोशिश करो। इसीलिए ना भाई मैं हमेशा भाई एसी प्रीफर करता हूँ, एसी में क्या होता है ना आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं आएगा, जो भी आपका सीट है आप मस्त बैठ के जाओ, वो चीज़ होता है। ठीक है भाई बैठते और क्या करें, बाहर का नज़ारा कुछ दिखाने के लिए जा रहा हूँ, इतना जोर का ठंड है ना भाई, इतना जोर का लगता है कि भाई फ़ोन गिर जाएगा हाथ से, इसलिए बाहर का नज़ारा भी मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्या करें।
तो हाँ जी देख लो अभी मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ एन निजामुद्दीन दिल्ली में ही। और जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये रहा भाई हमारा ट्रेन। ट्रेन आया वहाँ से भाई 40 मिनट लेट से, ठीक है क्या करे लेट हो गया क्या करे, काफ़ी सारे रास्ते में रुक के आया ना इसीलिए। अभी स्टेशन का बाहर चलते और भाई ये रहा देखो एन निजामुद्दीन स्टेशन पुराना दिल्ली में है भाई ये। और वहाँ से ना काफ़ी महंगा ट्रेन जाता है भाई, जो डिपाचर रहता है ना काफ़ी महंगा ट्रेन का रहता है वहाँ पे। क्राउड तो इतना भी ज़्यादा नहीं है फिर भी जो भी है क्राउड। अच्छा दुरंत एक्सप्रेस भी लगा हुआ है यहाँ।